किसका अधिकार? बीजेपी का, कांग्रेस का, गठबंधन? बीजेपी का चांस है। क्या क्या माहौल है भिवानी में अभी चुनाव को लेकर? भिवानी में अगर शमशराव जी का एक तरफा माहौल है, मतलब जोर किसका देखने को मिल रहा है? बीजेपी का है जोर, तो बीजेपी का ही है वैसे तो, इंदु शर्मा का ही है काफी जोर। क्या अभी तो मिला जुला ही माहौल है, कोई खास नहीं है अभी। काम किस भिवानी शहर का मूड है जी, परिवर्तन का कांग्रेस का मूड है, कांग्रेस का मूड है। क्या मूड है अभी यहाँ पे चुनाव को लेकर? बीजेपी जो दिख रहा है उसका वाल्मीकि का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलख हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रूही। इस वक्त मैं भिवानी में हूं, भिवानी का मूड जानूंगी विधानसभा चुनाव को लेकर। हांसी गेट पे हूं, काफ़ी दुकान है यहाँ पे, दुकानदारों से बात करूंगी चुनाव को लेकर। यहां शहर में क्या मूड चल रहा है, किस पार्टी का ज़्यादा जोर देखने को मिल रहा है? बीजेपी का है, कांग्रेस का है, गठबंधन का है, निर्दलीय का है, किसका है? लोगों के बीच में बात करती है लोगों से। क्या नाम है आपका? छोटू पासवान। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल तो पता नहीं जी, किसका अधिकार? बीजेपी का, कांग्रेस का, गठबंधन? बीजेपी का चांस है। क्या कारण बीजेपी का? काम क्या है? काम बढ़िया कर रखा है। अच्छा, क्या क्या काम हुए हैं? रोड पे काम कर रखा है, 6,000 रुपये साल का देता है किसानों का। अच्छा, और बढ़िया काम, मॉल बढ़िया है शहर का। अच्छा, रोजगार वगैरह सही है जी? सही है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। यहीं से भिवानी से? क्या माहौल है भिवानी में अभी चुनाव को लेकर? भिवानी में अगर शमशराव जी का एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। यह काम किसने किया 10 सालों में? काम तो जी किसी ने नहीं किया, जा अपना सब कानून किसे ही चल रहा है, अपना व्यवस्था से आराम से ही चल रहा है। अच्छा। यहाँ पे मतलब जोर किसका देखने को मिल रहा है? बीजेपी का है? जोर तो बीजेपी का ही है वैसे तो, इंदु शर्मा का ही है काफी जोर। क्या कारण है उनका? है कारण तो जनता का माहौल है ऐसे उनका विचार। अच्छा, काम किया उन्होंने यहाँ पे 10 सालों में? काम तो मैडम अभी काम का तो कर रहे हैं, करेंगे भी आगे भी, सरकार है बीजेपी की। किसकी सरकार बेहतर लगी थी? अभी आज बीजेपी की चल रही है सही है। इससे पहले कांग्रेस का भी राज था? कांग्रेस भी के टाइम में भी बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। अच्छा, वैसे कांग्रेस भी ठीक थी अपनी जगह पे, अब बीजेपी बहुत अच्छा सब कुछ ऑनलाइन करवा रखा है, ये सुविधा बच्चे कागजों की दिक्कत नहीं हो रही। ठीक लग रहा है ऑनलाइन सिस्टम? काफी लोग जो है परेशान है ऑनलाइन सिस्टम से। परेशान भी है मैडम, और जो चीज लोगों को अच्छी लगती है वो तो करते हैं, जिसका काम आसान हुआ उसके लिए अच्छा ही है। क्या माहौल है अभी यहाँ चुनाव को लेकर? चुनाव को अभी तो मिला जुला ही माहौल है, कोई खास नहीं है अभी। काम किसने किया यहाँ पे 10 साल? किसी ने नहीं किया। किसने नहीं? 10 साल से भाजपा सरकार थी। हाँ तो है सरकार, नाम से ही है, खाली शहर के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं किया? नहीं। जो पिछले विधायक थे उन्होंने क्या किया? किसी ने अभी तक कुछ किया ही नहीं शहर के लिए, अगर करते तो बात होती ना। तो बारिश आती है तो पानी भर जाता है, पीने का पानी पूरे शहर में कहीं पे भी नहीं है, सड़कें कहीं पे भी नहीं है। तो विधायक वगैरह कभी लोगों के बीच में नहीं है? आते हैं और वो करके चले जाते हैं कि हाँ हम करेंगे, फिर करते नहीं है कोई कुछ नहीं। तो अभी किन से उम्मीद है, मतलब विधायक में किसका चेहरा देखना चाह रहे हैं ऐसे? विधायक कोई भी बनो, वो बनो जो शहर को अपना घर माने और वो उसके लिए करना चाहे कि भाई हम शहर को कुछ थोड़ा सा जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाए शहर तो की। थोड़ा बहुत भी किस पार्टी से उम्मीद है, क्या लग रहा है कि किस पार्टी का जो विधायक है, पार्टी से हो, निर्दलीय हो, गठबंधन सरकार से हो, क्या लग रहा है? देखो हमें किसी पार्टी से, किसी निर्दलीय से कोई मतलब नहीं है, हमें उस बंदे से मतलब है जो हमारे शहर के लिए कुछ करना चाहेगा। अच्छा, जो करेगा उसी को हम आगे वोट देंगे। तो अभी तक यहाँ से लगा नहीं ऐसा कि किसी ने कुछ किया? अभी तो कुछ नहीं है, अभी थोड़ा सा चुनावी माहौल बनेगा, उसके बाद उधार बनेगा, फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है सर, आपका? महेश चौहान। यहीं से हैं आप? हाँ, भिवानी। क्या मूड है भिवानी शहर का? भिवानी शहर का मूड है जी परिवर्तन का। अच्छा, पूरे हरियाणा का ही मूड है परिवर्तन का, क्योंकि पिछले 10 साल से हम देखते आ रहे हैं, और एक स्वाभाविक भी है कि जिसको बार बार जिताते हैं ना वो काम नहीं करता। अच्छा, तो अब की बार मूड है हमारा कि चेंज करके देखते हैं कि भाई हो सकता है कि बदली करने से उम्मीदवार चेंज हो जाए, और अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी पे अब की बार शायद निर्दलीय का कब्जा रहेगा। क्या कारण निर्दलीय का कब्जा रहेगा? कारण ऐसा है जी, निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो तकरीबन सभी युवा हैं, चाहे वो अभिजीत लाल सिंह लगा लो, या जो राजू नांगल हैं, या प्रिया आशीजा हैं जो बीजेपी से बागी होके आई हैं, तो जितना भी निर्दलीय चेहरा है वो युवा है, यूथ है, और आज का यूथ चाहता है कि हमें युवा नेता मिले ताकि वो काम करा सके। तो यहाँ पे अभी विधायक में किसका चेहरा देखना चाह रहे हैं?
विधायक में जी ऐसा है कोई भी आएगा निर्दलीय आएगा, हम चाहते हैं कि विधायक हमारा युवा हो। अच्छा, ऐसा हाँ ऐसा विधायक ना हो कि जो हमारे काम के लिए जा ही ना पाए, चल ही नहीं पाए, क्योंकि बुजुर्गों पे घनश्याम जी पे हमने 15 साल से विश्वास करके देख लिया, तो चेंज करना स्वाभाविक हमारा धर्म भी बनता है। जो पिछले विधायक रहे उन्होंने कितना काम किया? देखो विधायक का काम तो आपको भी दिखाई दे रहा है, जनता को भी दिखाई दे रहा है कि विधायक जी ने जितना काम किया वो सबके सामने है। अगर विधायक जी ने इतना अच्छा काम किया होता तो जनता उनका साथ भी देती। तो सरकार किसकी बेहतर लगी? सरकार मेरे हिसाब से तो सरकार किसी की भी नहीं बनेगी, निर्दलियों के गठबंधन से सरकार बनेगी। निर्दलियों के गठबंधन? बिल्कुल, निर्दलियों के गठबंधन से। भिवानी के अंदर 4 विधानसभाएं, 4 विधानसभाओं पे अगर हम बात करें, मैं पूर्व सैनिक हूँ, अगर पूर्व सैनिकों की बात करें तो पूर्व सैनिक अपना विश्वास निर्दलियों पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे भिवानी में भी निर्दलीय दिखा रहे हैं, और अगर हम बवानीखेड़ा की बात करें तो बवानीखेड़ा में भी निर्दलीय दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रदीप नरवाल जो आए हैं वो बाहर का चेहरा, और उन पर एक जो पूर्व सैनिक है वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने JNU में की जो उनकी पुरानी वीडियो वायरल हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं जातिवाद पे ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, और बाहर का चेहरा बवानीखेड़ा हल्का कहाँ ढूंढेंगे हम उनको। इसी प्रकार से शशि रंजन परमार अगर तोसाम से हैं, वो भी पिछले काफ़ी सालों से एक्टिव थे, और भाई बहन की लड़ाई में हो सकता है वो फ़ायदा निकाल जाए। धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा प्रिय काम भिवानी से ही है। भिवानी से। क्या मूड है भिवानी में चुनाव को लेकर? भिवानी में कांग्रेस का मूड है। कांग्रेस का मूड है? अभी तो लोग बोले हैं निर्दलियों का जोर है, कोई कह रहा है बीजेपी का। कांग्रेस का मूड है। कैसे लग रहा है कांग्रेस का मूड है? कांग्रेस की हवा चल रही है। कैसे? क्या हुड्डा जी की जो नीतियाँ ना उन पे कांग्रेस विश्वास कर रही है। अच्छा। या जनता उन पे विश्वास कर रही है। हुड्डा जी हर बात को झूठा जुमला नहीं देते, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो जुमला किसने दिखाया? ये बीजेपी वाले। कैसे जुमला दिखाया? 15 लाख का जुमला दिखाते हैं, करते हैं 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करते हैं, किस्तों में पूरी करते हैं। हुड्डा जी आएंगे बुढ़ापा पेंशन एक कलम से पूरा कर देंगे। 10 सालों में यहाँ कितना विकास हुआ? कुछ भी विकास नहीं, खड्डों इतने खड़े कर दिए स्थानीय विधायक ने, तो यहाँ का तो सत्यानाश ही करके दिया। जो विधायक है पिछले वो नहीं आए लोगों के बीच? कहाँ लोगों के बीच में है, वो सो जाता है। विधायक में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? विधायक का अभी चेहरा देखा जाता है तो ऐसे युवा चेहरा देखना चाहते हैं। तो जब पार्टी में क्या दिक्कत रही पिछली सरकार की जो सारी दिक्कत, कोई भी सुविधा नहीं, पानी पीने का भी नहीं है, सब गंदा पानी है। पिछली सरकार जो थी भाजपा सरकार बोलती थी हर घर नल से जल तक आया नहीं, नल जल रही, पीने के लिए पानी नहीं, पीने का पानी भी आता है तो 33,000 TDS पानी में है जी, कैंसर के रिवार्ड है। हर गांव के अंदर जो भिवानी विधानसभा के जितने भी गांव हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा TDS के कैंसर की बीमारी है, सर्वे करा ले डॉक्टर बिठा के, बीजेपी सरकार ही करा लेते। अच्छा, मतलब यहाँ की जनता मिला जुला माहौल है? यहाँ की जनता मिला जुला माहौल है। हाँ अंकल, आपका क्या मूड है अभी भिवानी शहर में चुनाव को लेकर? क्या पता कैसे, आप दो दुआ में बैठे हैं हम लोग, तो काम वाम होते तो देखे होंगे शहर में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ से पिछले विधायक आए नहीं लोगों के बीच में? कभी नहीं है। तो यहाँ की जनता विधायक में किसका चेहरा देखना चाह रही है, मतलब जोर किसका दिख रहा है? तो मौके के देखें, बात है। अच्छा, क्या लग रहा है अंकल जी, किसका बीजेपी के चांस? कैसे लग रहा है कि बीजेपी के चांस ज्यादा है? काम कर रहे हैं भाजपा ने यहाँ पे? बार काम नहीं किया इसने कुछ भी। फिर कैसे लग रहा है? विधायक के टिकट कुछ ऐसी मिली है कि उस हिसाब के इसको देनी पड़ेगी टिकट। अच्छा, प्रत्याशी के ऊपर है? प्रत्याशी के ऊपर बात है। जो पिछले सिटिंग MLA थे उन्होंने कितना काम किया? उसने भी नहीं किया था। कितने टाइम से, मतलब 10 साल से देख रहे हैं कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। फिर यहाँ पे अब किसके लहर दिख रही है, मतलब वापस भाजपा आनी चाहिए या कांग्रेस आनी चाहिए? कैंडिडेट कोई भी नहीं है ना सही? कोई भी सही नहीं। आपके हिसाब से कौन सही कैंडिडेट होना चाहिए था? क्या मूड है अभी यहाँ पे चुनाव को लेकर? बीजेपी। क्या कारण बीजेपी का है? बस माहौल है, काम वाम तो होते देखे होंगे, जब तो मूड बना होगा लोगों का कि इन्हीं को देंगे। कांग्रेस का भारी उम्मीदवार है ना, कांग्रेस की ना सिपाही को दी है जो वोट है उसकी वजह से। यहाँ काम कितना हुआ क्षेत्र में? काम नॉर्मल। नॉर्मल, कोई विकास नहीं हुआ? हो रहा है। क्या क्या काम हो गए? ये PGI। अच्छा,
था, काम चल रहा है अभी, चल रहा है ना अभी। काम तो हो गया पर ओपनिंग नहीं हुआ अभी। 10 साल से भाजपा सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, दोनों में से कौन सी बेहतर लगी? दोनों ठीक है समय में, दोनों ठीक है समय में। तो अभी यहाँ से विधायक में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? फिलहाल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही। क्या मूड है अभी भिवानी शहर में चुनाव को लेके? भिवानी के नहीं, रोहतक के। हम रोहतक से, रोहतक का बता दो। रोहतक का भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा, हाँ। और किसी पार्टी का नहीं दिख रहा उधर? ना, ईव गच्छे तुम्हारा है। अच्छा, हाँ। पिछले सरकार में क्या दिक्कत रही? चोर है साले। क्या चुरा लिया? सब गेहूँ कर दिया, क्या छोड़े उन्हें? अच्छा, साले के तहसील में चालो डालो इन सब गया वो करे भट्टा को। अच्छा, पहले रेस्पत कुछ नहीं थी, बगैर दोगुनी मतलब दोगुना कर दिया रेट। रोहतक से मनीष ग्रोवर को बीजेपी से टिकट मिला और कांग्रेस से बीबी बत्रा को, किसके जीतने के चांस ज्यादा लग रहे हैं? बत्रा के। मनीष ग्रोवर में क्या दिक्कत आई? नाम देवा ही नहीं, जब को दिक्कत हो ना हो। अच्छा, मनीष ग्रोवर ने अपने टाइम में काम किए थे, लगा कुछ ऐसा? कुछ नहीं करे, कुछ नहीं। और बीबी बत्रा काम किए थे? काम किए थे। तो इस बार बीबी बत्रा के चांस ज्यादा है? ठीक है। यहीं से भिवानी से? ना, बोनी। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव के लेके अभी? माहौल किसका जोर दिख रहा है? उसका, वाल्मीकि का। वाल्मीकि का। पिछली सरकार में क्या दिक्कत है? कपूर का, वाल्मीकि कपूर। अच्छा, यहाँ पे काम किसने करवाए 10 सालों में? काम किसी ने, अपना दिसम्बर नहीं था, उन्होंने काम भी नहीं करवाया। अच्छा, तो कोई विकास नहीं हुआ 10 सालों में? देखो सरकार अभी किसकी आएगी? जो सरकार रही पिछली वो बेहतर थी या कांग्रेस सरकार बेहतर थी? ठीक थी। कौन सी ठीक थी? सब ठीक है, सब ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विधायक में किसका चेहरा देखना चाह रहे हैं? देखो भिवानी, यहाँ भिवानी में क्या नाम इसका, अभी कपूर का नाम दे रहे थे, वाल्मीकि कपूर, वो तो बोनी खेड़े का। अच्छा, यहाँ से किसका देखना चाहते हैं? यहाँ तो वो अपना क्या नाम है, शराब उसका, घनश्याम। अच्छा, उन्हें देखना चाहते हैं? हाँ, घनश्याम। भिवानी में हमने लोगों से, दुकानदारों से, राहगीरों से बात की, उन्होंने बताया यहाँ पे किसका जोर दिख रहा है। यहाँ पे आपने लोगों से सुन ही लिया होगा कि मिला जुला माहौल है, कोई बीजेपी की तरफ है, कोई कांग्रेस की तरफ है, कोई युवा नेता देखना चाह रहा है, कोई निर्दलीय की सरकार देखना चाह रहा है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले 5 तारीख को कि यहाँ की जनता किसकी सरकार बना रही है। देखते रहिए अलग हरियाणा, धन्यवाद। देखते रहिए अलग हरियाणा, धन्यवाद।